घुटने में दर्द सर्वाइकल तो में फर्क पड़ गया बाबा का जड़द। हाँ जी आधा पड़ गया। आधा फर्क पड़ गया एक जड़ में। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। हाँ जी। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों मंगत राय लामा की राम राम नमस्ते जय हिंद। बाणर भाइयों फिलहाल खड़े हम शनि शक्ति धाम सीसवाल में और एक बहनजी आई है भाई, इनकी मनोकामना पूर्ण हुई है। ये नारियल खोलने खातर आई जी, ये नारियल खोल लिया है भी इनने, तो पूछांगे के मनोकामना थी, क्योंकि यहाँ पर मनोकामना पूर्ण होने के बाद नारियल खोल के आहुति दी जाती है नीचे यज्ञ में हवन में, और गुरु जी के पास भी जाएंगे वहाँ भी बात कराएंगे, सब यही मिल गई हमें, बात करते हैं। राम राम जी। राम जी। कहाँ से हो? सीसवाल से। सीसवाल से। तो यार जी क्या की लगाई थी आपने? जी मैंने मेरी बेटी के लिए लगाई थी कि मेरी बेटी भगवान मेहनत करेगी रात दिन, फल आप उसको देना। अच्छा। तो मेरी बेटी ने अपने मन से लगन की, लेकिन फल श्री शनिदेव महाराज ने दिया है। अच्छा, क्या फल दिया? नौकरी मिल गई? हाँ, दिल्ली पुलिस में उसको नौकरी लग गई। पहली बार ही उसने पेपर दिया, पहली बार में फिजिकल मेडिकल सब कुछ क्लियर हो गया, कभी किसी तरह कोई दिक्कत नहीं आई। क्या बात है। तो कितने दिन पहले लगाई थी अर्जी? करीबन 4 महीने हो गए जी। अच्छा, तो 4 महीने पहले अर्जी लगाई थी, उसके बाद में कोई दिक्कत को नहीं आई, सारे पेपर भी क्लियर हो गए। हाँ, फिजिकल हाँ, भी डॉक्टरी भी सब कुछ सारी चीज क्लियर होगी, तो ज्वाइन कर लिया उसने यूं है? हाँ, जो 8 मार्च से ज्वाइन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है मेरी बेटी। अच्छा, तो मनोकामनाएं देखी भाई, कितनी बार कह चुका हूँ कि हजारों युवा और युवक और युवतियां जहाँ अर्जी लगाने से नौकरियां मिल चुकी हैं उनको, और हम दिखाते हैं कि सच सच दिखे। तो ये अब नारियल खोला है, नाम क्या है आपका? सुमन है। अच्छा, तो बेटी साथ में आई है क्या अभी? नहीं बेटी अपनी। अच्छा, ड्यूटी पर है, छुट्टी आएगी तब लेके आएंगे आप। अच्छा अच्छा, तो और भी कोई मनोकामना पूर्ण हुई है आपकी? मेरी तो 12 महीने के अंदर 2 मनोकामना पूरी है, पहले शनिवार को 1-2 बार आई, और फिर पहली छोटी बेटी थी उसकी मनोकामना थी कि मैं डॉक्टरी लाइन में जाना चाहती हूँ, हम मिडिल फैमिली से हैं तो हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, तो दूसरे शनिवार को यहाँ आई और उसको साथ लेके आई, उसने अर्जी लगाई कि भगवान मेरा मेडिकल में मतलब लाइन में मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो उसका है ना बहुत जल्दी ही मेडिकल सिलेक्शन हो गया, और फिर मैंने आस लगाई दूसरी बेटी के लिए, उसकी भी जॉब लगी। मेरी दोनों बेटियां शनिदेव धाम पर आने से मतलब। क्या बात है, पहली बेटी की तो मेडिकल में जो भी अर्जी लगाई, दूसरे शनिवार को मेडिकल में एडमिशन हो गया उसका। हाँ। और ये मेडिकल के अंदर, ये दिल्ली पुलिस में लगी। बीएससी नर्सिंग में खानपुर मेडिकल के अंदर कोर्स कर रही है वो छोटी वाली। अच्छा, सरकारी में हो गया? सरकारी में। तो यानी कि घर की हालत देखिए भाई खराब थी, कि इतनी पैसे नहीं थे कि डोनेशन दे के या प्राइवेट में कहीं कोर्स करवा आ जाए, तो यहाँ पर अर्जी लगाई दूसरे शनिवार को सरकारी हॉस्पिटल में, सरकारी यूनिवर्सिटी में उनका यानी कि नंबर पड़ गया मेडिकल लाइन में, और अब वो कोर्स कर रही है, और 4 महीने पहले ये लगाई अर्जी तो नौकरी मिलेगी। तो आपके ऊपर तो शनिदेव महाराज पूरे बहुत बड़ी कृपा है, मैं तो यही कहूंगी जो कृपा मेरे ऊपर शनिदेव की हुई वैसी सब पर हो, लेकिन सच्चे मन से करो, कोई मन में छल कपट ना हो, कर्म करो, कर्म करोगे फल शनिदेव अवश्य दे। क्या बात है, कर्म फल दाता है भाई, इसलिए कहा है कर्म करो, करो फल की चिंता ना करो, फल देना मेरा काम है। शनिदेव महाराज कहते हैं कि आप, मैं फल के दाता हैं और न्याय के देवता शनिदेव महाराज। और बहन जी की भाई दो मनोकामना एक साल के भीतर दोनों बेटियां की मनोकामना पूर्ण होगी, हम आशा करते हैं और प्रार्थना करते हैं भगवान से कि जो भी यहां धाम पे आता शनि शक्ति धाम पे सबकी मनोकामना पूर्ण है। आइए महाराज जी से बात कराता हूं अब मैं। महादुर्गे चंद्रघटा ब्रह्मचारिणी कुष्मांडा माँ दुर्गा यानी कि 9 की 9 देवियाँ हैं उनके दरबार में खड़े हैं, और इन्हीं 9 देवियों का 9 अप्रैल से अखंड ज्योति शुरू होने जा रही है। आप सभी लोग अखंड ज्योति यहाँ पर सबकी लगेगी, कोई भी चालू करवा सकता है, कैसे करवा सकता है। 9 अप्रैल को पहला नवरात्रा है और 9 दिन तक लगातार यहाँ पर अखंड ज्योत जलेगी हर किसी के नाम से अलग अलग, तो अपने अपने दिए जलाने के लिए अखंड ज्योत के बारे में बात करवाऊँगा बाबा जी से और इधर से बातें कराऊंगा। आज शनिवार का दिन है, झाड़े का दिन है, सिर्फ झाड़ा लगेगा आज, और शनिवार को झाड़ा लगता है सिर्फ, पूछा नहीं देखी जाती, पूछा गुरुवार और मंगलवार को देखी जाती है, उस दिन झाड़ा नहीं लगता, इसलिए मंगलवार और गुरुवार को झाड़ा लगवाने के लिए न आए, और जो पूछा दिखवानी होती है वही अपना नंबर लगवाएं, वही पर्ची कटवाएं। तो आइए मैं बातें करवाता हूँ भाई। ये बहन जी अभी जो ऊपर से खोल के लाई है नारियल, इसकी 2 बेटियाँ, एक तो मेडिकल में बिल्कुल गरीब घर से है, मेडिकल में सरकारी मेडिकल में एडमिशन हो गया, और दूसरी दिल्ली पुलिस में लग गई। एक साल के भीतर 2 मनोकामना पूर्ण हो गई, या नुकाव थी शनिदेव महाराज के कारण मेरी 2 बेटियाँ
जो भी मनोकामना मांगी वो मेरी पूरी होगी। और अब ये नारियल खोलन आई है आज, तो नारियल खोल दिया इसने, तो आप खुश हैं मैं जी? हाँ जी बिल्कुल खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। जो भगवान शनिदेव ने मुझे खुशी दी वो सबको दे, बिल्कुल लेकिन आपको दी वो सबको दे। हाँ, मन में पक्की आस्था होनी चाहिए, कोई किसी भी तरह का कोई छल कपट नहीं हो, अच्छे कर्म करोगे तो शनिदेव फल अवश्य देगा। छल कपट ले क्या होगा दाम पर, उसका काम हो कौन? या खास बात बताऊँ, शाणा बन क्या होगा इस, तो भगवान तो शाणा हो के कोई, इसका कभी शाणे बन लोग तो शाणपत मत बर, तो साधारण मतलब भक्त बन के आओ, इसके सेवक बन के आओ, दास बन के आओ। बाबा तू जाने तेरा काम जाना, मन के मेरा इसी के बनाए हुए हम, इसका आगे शाणा बन तो घना पढ़िया लिखिया शाणा बने दुखी होंगे अंडिया करें। वह जो अखंड जोत चलेगी माता रानी की नवरात्रों में, तो वो कैसे यहाँ पर अखंड जोत लगवा सकता है कोई भी भक्त लगवाना चाहे, तो क्या प्रक्रिया है आपकी, किस प्रकार वो यहाँ पर अखंड जोत अपनी जलवा सकता है, मनोकामना के लिए क्या जरूरी हो है या नहीं हो बताएं। देखिए हर नवरात्रे में यानी कि दो बार नवरात्रे में, जो अप्रैल में मार्च के आखिरी में आते हैं उसमें, और दिवाली दशहरे पे आते हैं उसमें, दो बार शनि धाम में नवरात्रों में अखंड जोत लगाई जाती है। किसी का मन पढ़ाई में नहीं लगता हो, नौकरी की प्राप्ति नहीं होती हो, विवाह में अड़चन आती हो, मकान में दिक्कत आती हो, संतान प्राप्ति में दिक्कत आती हो, कोई कोर्ट कचहरी का विवाद हो, किसी प्रकार का जमीनी विवाद हो, पशुधन में दिक्कत हो, किसी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट हो, इनको दूर करने के लिए, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हर नवरात्र में अखंड ज्योत लगाई जाती है। 9 अप्रैल 2024 वार मंगलवार को नवरात्र प्रारंभ होंगे, इसमें अखंड ज्योत लगाई जाएगी। कोई भी भगत जन, किसी का कोई भी कार्य रुका हुआ है, चाहता है कि वह मेरा कार्य बने, कोई क्रय किराए का असर समाप्त हो, या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है उसकी पूर्ति के लिए, उस मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए अखंड ज्योत लगाई जाएगी। कोई भी लगाना चाहता है, अखंड ज्योत लगवाना चाहता है, तो 9 अप्रैल 2024 वार मंगलवार को सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक कभी भी आकर अपनी अखंड ज्योत लगवा सकता है। 9 तारीख को आके सुबह से लेकर शाम तक कभी भी आके अपनी ज्योत को प्रज्वलित करवा सकते हैं शाम के 7 बजे तक, और उससे पहले भी आप मंदिर में प्रांगण में आके किसी भी समय शनि धाम में आके पर्ची कटवा सकते हैं। आखिरी दिन जो है लगाने का वो 9 अप्रैल, उससे पहले भी आप अपनी पर्ची यहाँ पर कटवा सकते हैं, रजिस्टर में अपना नाम फोन नंबर दर्ज करवा सकते हैं। तो आइए मैं एक बात कराऊँ, आप जी कहाँ से? हिसार से हूँ। आपके क्या तकलीफ है? मेरे कमर में दर्द था। कमर में दर्द? हाँ। था अच्छा, कितने दिन से था कमर में दर्द? बस 4-5 दिन से। 4-5 होली पे आई थी, फर्क पड़ गया। होली पे आई, ठीक हो गया? हाँ, अब दूसरी बार आ रही हूँ। दूसरी बार आई है, कितना गा दर्द घना फर्क पड़ गया? गा दर्द कम 70%। 70% फर्क पड़ गया गोली वाला झाड़ दे? हाँ। अच्छा, हाँ। पिछली गोली दवाई असर कर क्यों कदे ना? मैंने तो ली नहीं दवाई, बस झाड़ अच्छा। लगाया। चलो बहुत अच्छी बात। हाँ। है बहुत अच्छी बात। जी कहाँ से हैं? रानिया से जी। रानिया से? रानिया से? हाँ जी। रानिया रतिया के पास? पंजाब में? नहीं सर, इधर है, सिरसा वाली साइड है। क्या समस्या आपके? सिर दर्द की समस्या रहती है जी मेरे। सिर दर्द कितने दिन से है जी? बस 1-2 महीने हो गए। पहली बार आए हो? नहीं, दूसरी बार आए हैं। तो क्यों फर्क पड़ेगा किसी का दर्द? हाँ फर्क है जी। कितना फर्क है? 50% है। 50%? एक बार तो 50%, तो आज 100% हो जाएगा? हाँ जी, पूरी उम्मीद है बाबा से। सह विश्वास? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा, ये बिटिया हंस है के बाद बेटी सच्ची है? तेरी मम्मी बुढ़ावा है सिर में दर्द है? कहते काम तो डर दी कर दी हो। ये कहते मैंने आना वीडियो में बुढ़िया ने। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, क्या नाम है? कीर्तन। अच्छा अच्छा, पढ़ती हैं आप? पक्का पता है कि पढ़ो? अच्छा, मम्मी के साथ आती होगा आप भी? कोई अर्जी लगाई है? पढ़ाई में इसका मन नहीं लगता, इसलिए। पढ़ाई में नहीं लगता तो इंस्टाग्राम पर रील बनाना लग गए? रील बनाती है ना? हाँ, तेरी शक्ल लग गया रील पर। रील का फीता देखे जमा पतला हो जाए, सूख की बड़ा झटका टूट जाए इसी हो रही तू भी। आँख देख कितना पितला रही है, है? छोड़ दे फोन फान देखने, पढ़ाई में ध्यान लगा। आप कहाँ से हैं जी? कुमारिया से। हाँ जी, कुमारिया से। कुमारिया से आपके क्या तकलीफ है? घर की दिक्कत है कोई। पहली बार आए? ना, चौथी बार आए हैं। तो किम समाधान हुआ है थोड़ा बहुत? कीमत हुआ है, लग गए फर्क? किमें लग गए फर्क? और बाबत लगा चला रखे? बाबत पूछा भी करवाई थी? सही बताई? सही बताई सारी तो? क्या सही बताई, थोड़ा घना झूठ बोलता है? ना ना, इलाज चलन लग रहा है, कर दो भी ना हो, बाद में रिजल्ट आओ। अच्छा,
फर्क पड़ गया वैसे घर शांति है, घर में सुख शांति हो, प्रसाद की बीमारी कट जाए, शरीर की सफाई होनी जरूरी है पहले। मैं तो यह पूछूं, पूछाड़ी लोग कई फोन करे मेरे द्वारा, आधी झूठी आधी सच्ची बताओ, सारी सच्ची की सही बताई है, पूछा के रुपये कह ले है मेरे कन की कौन लिया मार खनो था नु कौन कही ठीक होए पास इतने दे जी ना सच्ची सच्ची है झूठी क्या बोला। चलो बहुत बढ़िया भाई, तो कितने दिन से है श्रीमंदिर दिया? दो ढाई साल से। दो ढाई साल से एक झड़ा लगवा गया पहले? अच्छा, पुनवासी ना आता के? हां, पूरे वाले दिन। अच्छा, तो डॉक्टर ने तो चेक नहीं करवाया? करवा रखा है। क्या बताया डॉक्टर? माइग्रेन बताया। माइग्रेन बताया, माइग्रेन की दवाई दुई कोली नहीं थी, कोने कोने फर्क पड़ा, फर्क माइग्रेन की दवाई बनी कौन है, गोली आओ से वह एक बार ठीक कर दे से फिर जड़ तक खत्म होने की कोई दवाई कौन बनी, कौन बनी आयुर्वेद में जरूर ये तो महाराज जी कर सके प्रजा पायम ठीक है नुको मेरा माइग्रेन ठीक कर। आप जी कुमारिया से? हाँ जी कुमारिया। कुमारिया से अच्छा, साथ ही हो गए? अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो ठीक ठाक है परिवार में? ठीक है, मानो हो गए थे? मानना था ही, मानना तो दिया हुआ है। कई मानस मान्या कौन करे नुको, कौन ही भगवान भगवान की मेरे को नहीं, मेरे तो ज्यादा विश्वास है। अच्छा, इन तो ज्यादा करो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, करना चाहिए। आप सर कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ, विकासपुरी से। अच्छा, पहली बार आए हैं? ना, चार पांच छह दफा आ चुका हूँ, पांच छह दफा। तो पांच छह दफा किस तरह हाजिरी लगने लग रही है आपकी? हाजिरी थोड़ा मकान की समस्या थी और कुछ कारोबार की थी। अच्छा। तो लड़के ने इस महीने पिछले महीने गाड़ी डाली। अच्छा। और कुछ ठंड की वजह से नहीं आ पाया, मैंने गुरु जी के दर्शन करके आए। अच्छा। तो कुछ हो गया फायदा आपको? हाँ हाँ, फायदा चल पड़ा बिजनेस। हाँ। अच्छा। बिजनेस अब करेगा, लड़का करेगा। हाँ। चलो अच्छी बात है। हाँ। चलो मनोकामनाएं जो आप मांगे वो पूरी होती है? बराबर बराबर, सही है, सच्चा धाम, सच्चा धाम है। अच्छा जी, सच्चा बिल्कुल, विश्वास भी बड़ी चीज है। बस विश्वास का ही नाम भगवान है और कुछ नहीं, भगवान किसी नहीं है, विश्वास एक शक्ति है, आत्म शक्ति बनाता आत्म बल। मैं पहली दफा जब आया था तो मैं डोला हुआ था। अच्छा, तो गुरु जी ने मेरे को, मैंने कि मेरे मकान का चक्र भी हुआ है, मैंने 10 लाख रुपए दे रखे हैं ब्याने के और इंतजाम नहीं हो रहा, वो सारा इंतजाम हो गया और कब्जा भी ले लिया, लेखा पड़ी भी हो गई। अच्छा, बस क्या बात, शनि धाम की कृपा है, आंखों में पानी है कि वो ब्यूत भी नहीं था, अके बयाना दे रखे थे वो भी डूबने की हालत हो रही थी, और शनिदेव के धाम में आते ही के क्या है कि गुरु जी मेरी तो हालत ऐसी है, सारे काम हो गए, फिट हो गए, चलड़के ने बिजनेस भी मिल गया। अब आपका गाड़ी डाल के दी है अभी आटिका, अभी पिछले महीने नई निकलवा के दी है। सब करेगा न्याय का देवता जी, काम तो करने, कर्म तो करने पड़ा, कर्म का तो दाता है, कर्म का फल दाता है, कर्म करोगे तो फल मिलेगा, कर्म कराएंगे नहीं, गरीब बैठ जाएंगे, सोडे में बढ़ जाएंगे तो फल उसा ही मिलेगा भाई। सेकंड बार तो क्या समस्या, क्या तकलीफ थी? मानस तो मान्य झाड़े जुड़े की मेरे को ना, फूल फूल फर्क है, फूल फर्क से। हाँ जी हाँ जी, ये ले भाई, तेरे सारे बैठे बताने लग रहे हैं, तेरे थोड़ा सा ही उनके मेरे दादा से। हाँ जी हाँ जी। अच्छा सर, भाई कितने साल तक था बता? दो साल से। हाँ जी, आधा फर्क हो गया, आधा जी। अच्छा हाँ जी, सच्ची बात से क्या? सच्ची जमा बात, पीछे पैसे दे बिठा रखे ना 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 ना। सच्चा है दाम? सच्चा है, सच्चा जी, सच्चा है। चलो कहाँ से बेटा? डोबी से। डोबी से क्या समस्या? सिर में दर्द। सिर में दर्द, कितने दिन तक हुआ? दो ढाई साल तक। ठीक हुआ है कि? हाँ, पर कई। कितना? 50% तो है। 50% है तो ये झाड़े से होगी ठीक। हाँ, और घर में ही फायदा है क्या? हाँ, बिल्कुल फायदा है मेरे घर में, किसम खूब सुख शांति। हाँ, खूब सुख शांति है। और भी कोई मनोकामना मांगी थी? हाँ, बढ़िया चल रही, बढ़िया चल, गुड़िया की दिक्कत ज्यादा आई, ठीक हो बस, तो सारी आधी समस्या दिया ली कर रखी है घर में, बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा, फिर उराण फायदा मिला मान, मान 4-5 महीना हो गया, मैं महीना में हर बार आवा, भी कदे एक शनिवार दिन, दो शनिवार छोड़ गई, हर बार आवा। चलो बहुत बढ़िया, तो यह गुड़िया हमारी बिल्कुल है, जमान खानो पीनो सारू किमी छोड़ दी है, सब किमी छोड़ दिया था। हाँ, नहीं उठ उठ के बाजिया करती। अच्छा, नहीं बिल्कुल ठीक है, पढ़ाई भी करे, पेपर भी दे गया, काम काम तो ठीक होगी भाई, तो सारी है पढ़ने लगी खूब बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहाँ से? दाईमा। हाँ जी, दाईमा। दाईमा, हाँ। के समस्या के तकलीफ? बीपी बढ़ा, आँख कौन बन दी? बीपी बढ़ा,
तो पहली बार आए इसमें फर्क पड़ेगा। अच्छा आराम हो गया। आराम हो गया। अच्छा पूर्णिमा सिप आए थे, अभी पी में आराम हो गया, अब इतना बढ़ता घटता नहीं। इतना कौन बढ़ता जी। देखिए शनि शक्ति धाम का मैं आपको रास्ता बता देता हूँ कि हिसार, हरियाणा का जिला हिसार, हिसार शहर में आए आप कहीं से भी, हिसार के बस स्टैंड पर बूथ नंबर 12 पर बस लगती है बगड़ा भादरा वाली, उसमें बैठिए और काबरेल की टिकट लीजिए। काबरेल गांव में उतरी, काबरेल से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर शीशवाड़ा आदमपुर रोड पे थोड़ी दूर चलते ही शनि शक्ति धाम है। यहाँ पर शनिवार को झाड़ा लगता है, मंगल और गुरुवार को यानी बृहस्पतिवार को पूछा देखी जाती है। हर पूर्णिमा को एक विशेष अर्जी लगती है। और देखते रहें लोक प्रसार हरियाणा, वीडियो को शेयर कर दें ताकि और किसी दुखी व्यक्ति के काम आ सके। जय हिंद, नमस्कार।